ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। और सीधा रुख करेंगे राजस्थान के डूंगरपुर के थाना में, जहां महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संघ अभियान के शिविर में सीएम अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। प्रोग्रेसिव किसान बने, हम ट्रेडिशनल खेती करते करते तो सालों बीत गए, पर आधुनिक खेती करना भी जरूरी है। आधुनिक यंत्रों से, आधुनिक तकनीक से, आधुनिक जो वैज्ञानिक तरीके सिखाते हैं उनसे उत्पादन बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ती है और मंडियां बनी हुई है। आज यहाँ गौंड मंडी का भी आज उद्घाटन होगा, शानदार मंडी बनी है। अभी मैं मुराज मीणा को, तमाम इनके विभाग के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। इतनी शानदार मंडी बनना और मंडी को जाल बिछ गया पूरे राजस्थान के अंदर। मुझे याद है 60 के दशक में ये मंडी बनना शुरू हुई थी, करीब 60 साल हो गए लगभग। जब मंडी बनना शुरू हुई थी 60 साल पहले, तब ना तो व्यापारी खुश था ना किसान खुश था। पता नहीं ये कैसे हम अपने ऊपर को ले जाएंगे शहरों के अंदर, मंडियों में क्या होगा। और मंडी अपना अपने किसान के लिए व्यापार हो गई है, उसको अच्छे दाम मिलते हैं मंडी के अंदर फसल ले जाने पे। वहाँ व्यापारी जो है उनको व्यापार करना आसानी हो गई। आईटी का जमाना है, आईटी के माध्यम से जुड़ गए मंडियां, तमाम मंडियां प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी जुड़ जाती है। अगर हम चाहें तो भाव अच्छे से अच्छे में मिले, उनकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। कि तमाम आज़ादी के बाद में जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो शुरुआत करी थी पैरों में खड़े होने की, हमारा मुल्क पैरों में खड़ा हो, अमेरिका, रशिया, जर्मनी, जापान के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, कब उनका मूड बदल जाए सहयोग करने से पता नहीं लगता है। ये पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी, आजादी के प्रथम प्रधानमंत्री बने आजादी मिलते ही, कि बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर दी किसानों के लिए, रिसर्च सेंटर खड़े कर दिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का सेंटर बना दिया, ICAR बना दिया, बड़े बड़े बांध बनाए, बड़े बड़े कल कारखाना बनाए। हालात ये हो गए पूरे देश के अंदर कि उस वक्त में हम लोग 480 का गेहूँ मंगाते थे अमेरिका ने भीख मांग करके हमारे यहाँ लोगों को खिलाने के लिए। आज आप देखिएगा किसानों को श्रेय जाता है, बधाई जाती है, चाहे पंडित नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, जो सोच पैदा करी कि नहीं हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। गेहूं बाहर से क्यों मांगे, किसी भीख मांगे क्यों, हमारे देश के किसानों में दम कम है, वो पैदावार बढ़ा सकते हैं, हमारा मुल्क आत्मनिर्भर बन सकता है। आज आप देखिएगा वक्त आ गया है, हरित क्रांति हुई, वाइट रिवोल्यूशन हुआ, दूध को लेके बड़े बड़े डेरियां खुली पूरे देश के अंदर, अमूल की तरह, सरस की तरह कितनी डेरियां देश के अंदर हैं। पशुपालकों को फायदा हुआ, किसानों ने क्रांति कर दी, हरित क्रांति। आज हम लोग गेहूं के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो हमारी स्थिति बन गई है। और तो बाजरा में, सरसों में, तिलन में, दलहन में और चने के अंदर आपको मालूम होगा पूरे देश के अंदर राजस्थान नंबर वन आ गया है। ये स्थिति बन गई, राजस्थान वन आ गया है। और पशुपालन पालकों के मेहनत से राजस्थान दूध का उत्पादन और ऊन का उत्पादन में भी हम लोग नंबर वन है देश के अंदर। तो राजस्थान प्रोग्रेसिव स्टेट भी है, राजस्थान प्रगतिशील स्टेट भी है, प्रगति करता जा रहा हर क्षेत्र के अंदर, शिक्षा में भी,
स्वास्थ्य सेवा में भी आप देख रहे हो, हमने स्वास्थ्य का अधिनियम बना दिया, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, कानून बना दिया है। पूरे प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार की है कानून बनाने के बाद। ये बहुत क्रांतिकारी काम हुआ है। 25 लाख का बीमा हुआ इलाज का, पर कानून बनना उससे बड़ी बात है। जैसे पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने कानून बनाए, 4 नरेगा का बनाया, 2 रुपये किलो गेहूं मिलेगा देशवासियों को, 3 रुपये किलो चावल मिलेगा कानून के अंतर्गत मंडी में, कोई भाव मंडी में, पर उनको मिलेगा 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, ये कानून है। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, राजस्थान सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से प्रयोग किया, स्वास्थ्य का अधिकार मिले सबको। उसी रूप में हम लोग पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हर जिले के अंदर बनाते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि मेडिकल में हम लोग टॉप पे पहुंचेंगे। आईपीडी टावर बन रहा है 24 मंजिल का जयपुर के अंदर। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में आज आ गया है, उसी रूप में हमारी सोच है। 2030 आते आते हम लोग भी राजस्थान देश के अग्रणी राज्य कहलाते हैं, उनकी श्रेणी में आ जाए, अगर नंबर 1। आय बढ़े, कैसे का उत्पादन बढ़े, यहाँ पर आर्थिक विकास में हम लोग आज नंबर 2 पे आ गए हैं देश के अंदर, नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे राजस्थान आ गया है। तो आप सोच सकते हो हमारी योजनाएं, हमारा वित्तीय प्रबंधन, हमारा विकास सब क्षेत्रों में, आर्थिक विकास दर तो बढ़ती है, सब क्षेत्रों में हम आगे बढ़ो जीडीपी के अंदर। जीडीपी में आज हम लोग आंध्र प्रदेश 11.4% पे और हम लोग 11.04% पे। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रकार से हम लोगों ने छलांग लगाई है। सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही राजस्थान के अंदर, मिनिमम हमने 1,000 रुपये कर दिया। अभी विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के, महिलाओं और पुरुषों के लिए 1 करोड़ लोगों को पेंशन। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर परिवार को परिवार चलाने के लिए, क्योंकि इतने गरीब परिवार है, मजदूर होता है, बुढ़ापे में तकलीफ आती है उसको भी, ठेले वाला होता है उसको तकलीफ आती है, किसान है, बेटे पोते होते रहते हैं, बेटे पोते होते रहते हैं तो जमीन का हिस्सा बंटवारा होता रहता है, आमदनी होती नहीं छोटे से टुकड़े के अंदर। आदिवासी जो रहते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर उदयपुर में, लैंड होल्डिंग बहुत कम उनके पास में भी। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन परिवारों को चाहिए बच्चों को पढ़ाए, जमाना आईटी का है, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं, कंप्यूटर आ गए, राजीव गांधी के सपने के अनुकूल हम कैसे एक्सपर्टाइज करें उनकी। शिक्षा बहुत आवश्यक है जिंदगी के अंदर, बिना शिक्षा के अंधेरा है। किसानों बच्चों को चाहिए एक भी बालक बालिका घर के अंदर, ढाणी में, गांव में शिक्षा से वंचित नहीं रहे। सरकार ने बहुत कुछ किया है उनको पढ़ाने के लिए, वो पैसे वालों के साथ में कम्पीट कर सके। कोचिंग करवा रहे हम लोग, विदेश भेजे 500 बच्चों को, स्कूटी दे रहे काली भाई भील के नाम से 30,000 बच्चियों को, लड़कियों को फ्री बस ट्रेवल करवा रहे हैं, लड़कों को करवा रहे हैं पढ़ाई करने जाएगा फ्री जाएगा। नौकरी के लिए एक बार फॉर्म भर दो, बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार हमने जो फैसले किए हैं छात्रों के लिए, युवाओं के लिए,
और किसानों के मैंने अलग बजट पेश किया है, और जो धनराशि रखते थे बजट में उनको मैंने डबल कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि आज हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी कटारे जी बता रहे थे आपको, लंपी रोग आ गया, गाय माता सबकी माता है, पर हमारे विपक्ष के साथी जो हैं वो हमें बदनाम करते हैं। असली गोभक्त कोई है तो हमारी सरकार है, जिसने पिछली बार हमने हिंदुस्तान में पहली बार गायों का अलग से निदेशालय बना दिया और गौशालों को अनुदान शुरू कर दिया। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे जहां पर सीएम अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।